खबर आजमगढ़ बुढ़नपुर से, जहां तहसील क्षेत्र के विकास खंड कोयलसा के मोलापुर नथन पट्टी गांव निवासी समाज सेवी दिवाकर मौर्य के नेतृत्व में आज दोपहर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही खंड विकास अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ग्राम सभा की विकास को लेकर के खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर जाँच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम सभा की निधि का ग्राम प्रधान द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। लाखों रुपए के धन का रुपए का ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्य नहीं किया गया। फर्जी वाउचर बिल बना करके सचिव की मिलीभगत से ग्राम प्रधान द्वारा भुगतान करा लिया गया है। इसकी जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों ने जांच कर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि 50 लाख रुपए से अधिक धन का भुगतान किया गया है, लेकिन ग्राम सभा में कोई विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहा। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी कोयलसा श्वेतांक सिंह ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा शिकायत पत्र मिला है, टीम गठित कर जांच की जाएगी। जांच के उपरांत दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी आपके यहाँ दिवाकर मौर्य द्वारा एक मोल्लापुर नथन पट्टी में विकास कार्यों की जांच के लिए एक शिकायती पत्र दिया गया है और आज ही इनके द्वारा मिला है। अब इसका देख लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ टीम बना के जाँच करा दी जाएगी, जो भी होगा निस्तारण किया जाएगा। दिवाकर मौर्य पिता श्री नोमी मौर्य ग्राम मोल्लापुर नथन पट्टी पोस्ट पासीपुर आजमगढ़ का निवासी हूँ। हाँ जी जी सर, हमारी समस्या ग्राम जो हमारे मतलब ग्राम सभा में विकास होना चाहिए वो हुआ नहीं है, बहुत ही कम हुआ है। जिस हिसाब से फंड का इस्तेमाल किया गया है उसके हिसाब से काफ़ी कम काम हुआ है। मतलब बजट का कभी जी जी पैसा तो काफ़ी इस्तेमाल किया गया है पर अपने खर्चे के लिए, और जी जी विकास कार्य में बहुत कम लगाया गया है। तो इसकी हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं, पूरे ग्रामवासी ऐसा एप्लीकेशन आप दे रहे हैं विकास खंड अधिकारी जी को, यहाँ से हमको न्याय मिल पाया तो ठीक, वरना हम आगे जाएंगे। और आप क्या चाहते हैं कि धन की रिकवरी कराना जी? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं सक्षम अधिकारी द्वारा जांच करके अगर इसमें गलत तरीके से जो भी पैसा निकाला गया है रिकवरी हो और उचित कार्रवाई हो, ये हम पूरे ग्रामवासी की मांग है। सर लगभग 30 से 32 लाख रुपया निकाला जा चुका है, जो कि पौने दो साल का कार्यकाल अभी तक हुआ। आपके हिसाब से काम कुछ नहीं हुआ जी? 10 से 12 लाख का काम हमारे यहाँ जमीन पर दिख रहा है। 50% काम हुआ है? नहीं सर, 50 से कम हुआ, 35% से 40% के बीच में काम हुआ है, जिसमें पंचायत भवन में कुछ भी काम नहीं हुआ है। पंचायत भवन में जो काम दिखाया गया लगभग 7 लाख रुपये निकाला गया है, एक पैसे का भी काम नहीं हुआ उसमें, एक पैसे का भी, क्योंकि पंचायत भवन में हमारे कोई नहीं बैठ सकता, ऐसा पंचायत भवन है बिल्कुल जर्जर, उसके नाम पे पैसा निकाला गया है। लगभग 3.5 से 4 लाख रुपये निकाला गया डस्टबिन के लिए, जो 400 की 500 की बाल्टी आती होगी, 50-60 बाल्टी दी गई लोगों को, और 4 लाख रुपये कहाँ गए सर? ये सब की हम चाहते हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच हो और उचित कार्रवाई हो। चलिए।